अदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज चैनल का सोशल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आकिब खान। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का नाम जो है आप लोगों ने सुना होगा। 29 मई 2022 को उसको किस तरीके से जो है पंजाब के अंदर मानसा डिस्ट्रिक्ट में जो है किस तरीके से उसको मार दिया जाता है। सिद्धू मूसेवाले की फैमिली को अभी तक जो है इंसाफ नहीं मिला, और इंसाफ क्यों नहीं मिला हम पंजाब की गवर्नमेंट से जो है ये पूछना चाहेंगे। पहले दिन जो है आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देते हैं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर भी था। कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, किसी का भी कोई लीडर को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आम लोगों को क्या ही इंसाफ मिलेगा। श्री भगवंत मान जो वहां के सीएम है उनसे एक बात पूछना चाहूंगा। आपने जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी को जब वापस लिया, दो दिन पहले सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी को वापस लिया जाता है, दो दिन के बाद सिद्धू मूसेवाले को जो है मार दिया जाता है। श्री भगवंत मान पंजाब के सीएम से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आपने सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी को वापस लिया, ठीक है अगर आपकी गवर्नमेंट है आपने इनकी सिक्योरिटी को वापस लिया, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो है आप लोगों को बोलने की क्या जरूरत थी। आप जो है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह जो है ये बोलते हो हमने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की जो है सिक्योरिटी वापस ले ली। वही सिक्योरिटी लेने के बाद दो दिन के बाद जो है सिद्धू मूसेवाले को मार दिया जाता है। जो इसके शूटर थे, जो उसके हेटर्स थे, इनको पता चल चुका होता है कि सिद्धू मूसेवाले के साथ जो है कोई भी गन में नहीं होगा, कोई भी सिक्योरिटी नहीं होगी, इसको आसानी से मार दिया जाएगा। लेकिन वही होता है, सिद्धू मूसेवाले को जो है मार दिया जाता है, लेकिन अभी तक पंजाब की गवर्नमेंट जो है सोई है। सिद्धू मूसेवाले की फैमिली जो है आज भी हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर एंड पंजाब से हमारे सोर्सेस ने बताया, सिद्धू मूसेवाले की फैमिली जो है रोड पर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हर जगह पे, हर पूरी इंडिया के अंदर जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने पैदल मार्च किया, और खासतौर पर मैं आपको बताता चलूं कि सिद्धू मूसेवाले की फैमिली के साथ जो है अभी तक जो है जस्टिस नहीं होता है। मैं पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री गौरव यादव जो है IPS है, उनसे एक बात पूछना चाहूंगा, जो ये शूटर हैं, जो ये किलर हैं, आप इन लोगों को बुलेट प्रूफ जो है गाड़ियां देते हैं, इनको कोर्ट लेके जाते हैं, वापस लेके आते हैं, लेकिन इनसे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जाती। अभी तक जो है जो शूटर शरेआम घूम रहे हैं उनको जो है आप लोगों को अभी तक जो है अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मेरी पंजाब की गवर्नमेंट से, खासतौर पर वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और श्री भगवंत मान जो वहां के CM है उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपकी गवर्नमेंट आप चाहते हो कि हमने पंजाब के अंदर इतना बड़ा काम किया है, पंजाब के अंदर लोगों के लिए हम ये कर रहे हैं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सच में CM हैं, अगर आप सच्चे CM हैं, आपको सबसे पहले पंजाब से नशा खत्म करना होगा। पंजाब के अंदर जितना नशा चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि किसी देश, इंडिया के किसी भी स्टेट में जो है इतना ज्यादा नशा जो है जो चल